हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं सोयाबीन की सब्जी बनाना। वैसे सोयाबीन कई तरीके से बनाते हैं, हमने ये देखा है कि कई बार सोयाबीन सूखी बना लेते हैं, प्याज में बना लेते हैं, और सोयाबीन को हम प्याज के साथ तो प्याजा भी बनाते हैं। सोयाबीन रसेदार सब्जी भी बहुत प्यारी बनती है, लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो सोयाबीन ग्रेवी वाली सब्जी है और सोयाबीन करी की तरह आप उसको यूज़ करेंगे। दोस्तों, हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम इतनी मेहनत से अपने वीडियोज़ जो आपको बना के भेजते हैं वो आपको समय से मिले, आपको फर्स्ट टाइम से मिल जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं सोयाबीन की तैयारी। हाँ, तो सबसे पहले हमने ये न्यूट्रेला का सोयाबीन बड़ी का पैकेट लिया है। इसमें से कुछ लगभग 100 ग्राम बड़ियाँ हमने इसमें निकाल के रखी हुई हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए गर्म पानी करना है, और गर्म पानी जब प्रॉपर गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें बड़ी डाल देंगे। बड़ी को पकाना नहीं है, सिर्फ कुछ देर के लिए सॉफ्ट करना है इस पानी में। थोड़ा सा देख लीजिए, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसको हमें तुरंत बाहर निकाल लेना है। इसको निकाल, इसके बाद जब पूरी बरी निकल जाए तो इसको इस तरह से पुश कर लेंगे कि इसके अंदर का पानी निकल जाए पूरी तरह से, और इस ठंडे पानी में हम इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, और जब इसको हम ओपन करते हैं तो अंदर तक सॉफ्टनेस दिख रही है इसकी। अब इसको हम जल्दी से निकालते हैं दूसरे बाउल में। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसको हम इस तरह से करेंगे कि इसके अंदर की नमी पानी बाहर निकल जाए। हल्का हल्का हाथ से पुश करते हुए इसको निकालें। अब इसको हम उस प्रोसेस पे लेके जाएंगे जिसको हम बोलते हैं मैरिनेट। तो इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा बटर का यूज़ करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसमें मिलाते हैं सोया सॉस, और इसको हम बहुत अच्छी तरह से इसे चला देंगे, और इसके बाद कुछ देर के लिए ढक देते हैं। दोस्तों, ये हमने रफली इस तरह से ऑनियन को और इस तरह से शिमला मिर्च को काट के रख लिया है, जिसको हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे लगभग थोड़ा सा ऑयल, जो हमने प्याज काट के रखी थी उसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जितना यूज़ करते हैं क्रंची खाना इसके अकॉर्डिंग हम इसको पका लेंगे। जैसे ही इसका सरफेस रेड होने लगे तो हम इसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद इसी ऑयल में जो हमारी शिमला मिर्च है हम उसको फ्राई कर लेंगे। साथ ही हमारी प्याज और शिमला मिर्च तो फ्राई हो गई, अब बारी है हमारी सोयाबीन बड़ी की। इसको भी एक साथ ना डालें, भले हम दो पार्ट में या तीन बार में इसको कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से सीख जाए, थोड़ा सा अच्छे से सीख जाए, हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको सेकेंगे ताकि इसके अंदर से जो भी मसाले हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जब आप इसको खाने में जब आपको सब्ज़ी में यूज़ करेंगे इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखिए, सोया बड़ी भी लगभग फ्राई हमने कर ली है। इसको भी हम इसी तरह से इसको प्लेट में वापस निकाल कर रख लेंगे। हमारी बड़ी फ्राई हो गई है, प्याज फ्राई हो गई है, और शिमला मिर्च भी हमने तैयार कर ली है। इसके बाद हमने प्याज को हल्के हाथों से हल्के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखा है, और इसके बाद हमने टमाटरों को भी लगभग रफ तरीके से काट लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। हमारी कढ़ाई है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें थोड़े से जीरे, उसके बाद
खड़े धनिया, कुछ पत्ते डाल देंगे हम, लगभग 2-3 लाल मिर्च, थोड़ी सी अब सौंफ भी इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे, और लास्ट में काली मिर्च। ये हमारे बेसिक मसाले हैं। इसको ये कोशिश करेंगे कि मसाले जल ना पाए, थोड़ा सा बस सिक जाएं। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, कुछ हरी मिर्च, इस तरह से चलाएंगे कि प्याज हमारी जले नहीं, सिर्फ प्याज पक जाए, यानी हल्की सी ब्राउन हो जाए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने टमाटर काट के रखे थे, चॉप किए थे, इसको हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको ढक देते हैं लगभग 1-2 मिनट के लिए, और फ्लेम रखेंगे अपनी लो। देखिए प्याज हमारी मुलायम हो गई है। अब हम इस पोजीशन पे गैस को बंद कर देंगे। इस मसाले को ठंडा होने के लिए किसी में बाउल में या किसी प्लेट में निकाल देंगे, ताकि हम इसको जब ग्राइंड करें तो ग्राइंडर से बहुत आराम से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि गरम गरम ग्राइंड करने में या तो ऊपर भी आ सकता है और थोड़ा सा ख़तरा महसूस होता है। दोस्तों, ये जो मसाला हमने फ्राई किया था उसको हमने इसमें मिक्सी पॉट में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है, लगभग इस तरह से ग्राइंड हो गया है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे कढ़ाई में। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालते हैं, और इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ इसको हल्का हल्का चलाते जाएंगे। फ्लेम पे सिर्फ थोड़ा सा इसको पकने का टाइम देंगे। हम इसको ढक देते हैं लगभग 1-2 मिनट के लिए। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। इसको फिर अच्छी तरह से इसको चला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, और अब इसको लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फिर से ढक के रख देंगे। अब हम देखते हैं ग्रेवी हमारी लगभग बनकर तैयार है। इसमें हम थोड़ी सी मलाई ऐड करेंगे, ताजी मलाई हमने यूज़ की है। मलाई से आपको थोड़ा सा क्रीमी सा टेस्ट मिलेगा, और इसके साथ हम ऐड करते हैं लगभग 1-2 चम्मच शक्कर। फिर से हम इसको चलाएंगे, और अब हम इसमें अपनी प्याज, शिमला मिर्च और जो सोया बरी है उसको हम ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इसमें सोया बरी और प्याज और ये डाले हैं, तो हमारी ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जब जो भी सोया बरी है उसने इसका पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे।
आप चाहें तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी डालते हैं। और इसको लो फ्लेम पे इसमें हम अब ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इसको एंड करेंगे थोड़े से बटर से। हरी मिर्च मैंने इसमें डाली हुई है और थोड़ा सा हरा धनिया। अब ये डिश लगभग तैयार है, लगभग क्या पूरी तैयार हो गई। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में बनाने की, और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये डिश आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं कि आपने ये हमारी रेसिपी, हमारी डिश ज़रूर ध्यान से सुनी होगी, और बिल्कुल आप अगर इसी तरह से उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा स्वाद मिलेगा, और घर के लोग बस यही कहेंगे कि क्या डिश है। नमस्कार।